हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब पंचकुला में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर उसके दोस्त ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पहले दोस्ती की, फिर शादी का वादा किया और फिर झांसा देकर किया रेप। जी हाँ, पंचकुला में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक युवती से शादी का झांसा देकर उसकी अस्मत को लूटा गया। दरअसल पंचकुला निवासी युवती अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात आरोपी युवक के साथ हुई थी। के बाद दोनों में दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर दिए और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद आरोपी ने युवती को जीरकपुर स्थित एक होटल में बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आरोप है कि आरोपी युवती को शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से युवती के नाम पर क्रेडिट कार्ड भी बनवाया, जिसकी किश्तें भी युवती ही भर रही थी। लेकिन बाद में आरोपी अपने वादे से मुकर गया और युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ जी, शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की है और लड़की ने हमारे पास कंप्लेंट दी है, जिससे कंप्लेंट के पढ़ने से पता चला है कि वो कंप्लेंट जो भी उसके साथ गलत काम हुआ है वो जीरकपुर में और बल्टाना में हुआ है। तो हमने 0 FIR काट के वहाँ पे भिजवा दी है। तो क्या रेप हुआ है या कोशिश की गई है लड़की के साथ? नहीं, रेप तो हुआ है उसके साथ। अच्छा, तो जांच अब जीरकपुर पुलिस करेगी? जी, जीरकपुर पुलिस करेगी। फिलहाल युवती ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित महिला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दे दी है। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर 0 FIR दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दी है। सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर 0 FIR भी दर्ज कर ली है और पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही साथ फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवराण की रिपोर्ट।